राजधानी देहरादून के जामुनवाला में ग्राम पंचायत व जंगलात की भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही है प्लॉटिंग, और करने वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्व बीडीसी मेंबर व भाजपा नेता कमल धामी है। शिकायतकर्ता जगदीश कौर ने इस बाबत लिखित में शिकायत उप जिला अधिकारी विकास नगर को दी थी, लेकिन उप जिला अधिकारी ने उस अवैध प्लॉटिंग पर हो रहे भवन निर्माण को तत्काल रुकवा तो दिया, परंतु अवैध प्लॉटिंग करने वाले धामी के विरुद्ध आज तक प्रशासन के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या कमल धामी अपने भाजपा संगठन से संबद्ध होने का फायदा उठा रहा है, और प्रशासन ने धामी के दबाव में इस पूरे अवैध प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। जबकि जामुनवाला में अवैध प्लॉटिंग किए जाने की पुष्टि वहां के ग्राम प्रधान वीर सिंह क्षेत्री ने भी की है। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान ने हमारे श्रमिक मंत्र टीम से टेलीफोन में जानकारी साझा करते हुए बताया कि उसे पूर्व माह में ही इस बात की शिकायत प्राप्त हुई थी, लेकिन ग्राम प्रधान ने ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। क्षेत्री ने कहा कि वह जल्द ही इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर उक्त संपत्ति की जांच कराएंगे, और जो भी अवैध ग्राम पंचायत की भूमि पर काबिज होगा उसे हर हाल में सरकारी संपत्ति से बेदखल कर बाहर किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर जिला अधिकारी रवि शंकर ने साफ व स्पष्ट शब्दों में श्रमिक मंत्र टीम से मुखातिब होकर बताया कि वह शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेकर मामले की जांच कराएंगे, और जो भी इस प्रकरण में दोषी होंगे उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कितना भी मजबूत पकड़ क्यों न रखता हो। क्षेत्र में एक अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जाने से सूचना पूर्व में विकास संघ एसडीएम को दिया गया, लेकिन आज महीनों बाद में इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई विभाग द्वारा। इसका मैं संज्ञान लेता हूं, अभी एसडीएम विकास नगर को मैं निर्देश जारी करूंगा कि इसमें यदि ये शिकायत सही पाई जाती है नियमानुसार उचित कार्रवाई उस पर हो। उसमें संज्ञान में कुछ जंगलात की जमीन है, कुछ ग्राम पंचायत की जमीन भूमि है, आप खुद को जो जिसने कब्जा किया हो उसको बीजेपी के बड़ा नेता बताता अपने आप को, उसके आड़ में कहीं ना कहीं अवैध तरीके से प्लॉटिंग चल रहा है। जरूर इसमें जाँच की जाएगी, अभी एसडीएम विकास नगर पे बताया जाएगा, और जांच के उपरांत यदि ये आरोप सही पाई जाती है फिर नियमानुसार उचित कार्रवाई। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।